हेलो एवरीवन, वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में आज हम सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के सब्जेक्ट ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम में डेल्टा गन कलर पिक्चर ट्यूब की स्टडी करेंगे। कलर टेलीविजन की तीन तरह की डिस्प्ले ट्यूब सामान्यतः होती हैं, डेल्टा गन कलर पिक्चर ट्यूब, गन्स इन लाइन और प्रिसीजन इन लाइन कलर पिक्चर ट्यूब, सिंगल गन और ट्रेंट्रॉन कलर पिक्चर ट्यूब। ये तीनों पिक्चर ट्यूब, इनका कंस्ट्रक्शन, इनकी वर्किंग कोर्स में है। तो सबसे पहली जो पिक्चर ट्यूब है वो है डेल्टा गन कलर पिक्चर ट्यूब। डेल्टा गन कलर पिक्चर ट्यूब कंसिस्ट ऑफ थ्री सेपरेट गन्स, रेड, ग्रीन और ब्लू फॉस्फर के लिए एक एक गन होती है और ये गन एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का एंगल बना के रखती है। उनके बीच में जो सेपरेशन होता है वो 120 डिग्री होता है और दे आर टिल्टेड इनवर्ड्स इन रिलेशन टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब। तो इससे इक्विलैटरल ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन बनता है। इस फिगर में हमने ट्यूब की नेक दिखाई है और रेड, ग्रीन और ब्लू गन्स की पोजीशन दिखाई है जो एक एक दूसरे के साथ 120 डिग्री पर है। इस पिक्चर ट्यूब में सबसे लेफ्ट साइड में ट्रायड स्क्रीन हमको दिख रही है। तो इस पिक्चर ट्यूब के अंदर ये एक स्क्रीन होती है जिसमें थ्री कलर फॉस्फर डॉट्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स नोन एज ट्रायड्स, कि जो तीन प्राइमरी कलर्स होते हैं उनके फॉस्फर डॉट्स ट्रायड्स की फॉर्म में होते हैं और हर फॉस्फर डॉट तीन प्राइमरी कलर्स को रिप्रेजेंट करता है। जनरली 10 लैक डॉट्स होते हैं तो इसके अकॉर्डिंग 333,000 ट्रायड्स इस फेस प्लेट पर होते हैं और करीब इससे 1 सेंटीमीटर बिहाइंड एक शेडो मास्क होती है और इस शेडो मास्क में जैसा कि दिख रहा है होल्स हैं और द मास्क हैज वन होल फॉर एवरी फॉस्फर डॉट ट्रायड ऑन द स्क्रीन। तो हर ट्रायड के लिए एक होल वहां पर होता है एंड द वेरियस होल्स आर सो ओरिएंटेड दैट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द थ्री बीम्स ऑन पासिंग थ्रू एनी वन होल विल हिट ओनली द कोरस्पोंडिंग कलर फॉस्फर डॉट्स ऑन द स्क्रीन। तो ये सारे होल्स इस तरह से ओरिएंटेड होते हैं कि जो तीनों बीम्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक होल से निकलकर corresponding color dots को ही hit करते हैं। And the ratio of electrons passing through the holes is only about 20%. और बाकी जो 80% होता है वो heat की form में dissipate हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसमें color raster कैसे generate होता है। The overall color seen is determined both by the intensity of each beam and the phosphors which are being bombarded. तो जो कलर हम को दिखता है वो हर बीम की इंटेंसिटी पर और फॉस्फर्स पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए एक बीम ऑन है किसी भी एक कलर की और बाकी दोनों ऑफ हैं, then dots of only one color phosphor get excited. अगर मान लीजिए एक बीम ऑफ है और दो बीम ऑन है तो जो रास्टर प्रोड्यूस होगा वो एक्साइटेशन ऑफ द फॉस्फर्स ऑफ टू कलर्स होगा। तो इन दो कलर्स के कॉम्बिनेशन से हमको इंप्रेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिलेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि जिस भी कलर का फॉस्फर प्रेजेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमको आउटपुट मिलेगा। मान लीजिए तीनों गन साइमल्टेनियसली एक्टिव होती हैं, तो लाइटर शेड्स आर प्रोड्यूस्ड इन माय स्क्रीन क्योंकि रेड, ग्रीन और ब्लू कंबाइन होकर सम फॉर्म ऑफ व्हाइट भी बनाती हैं। तो इसके अंदर इंटेंसिटी जो होती है कलर की वो बीम करंट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है और ब्लैक को अगर हम देखें तो ब्लैक इज जस्ट द एब्सेंस ऑफ एक्साइटेशन, कि जब तीनों बीम्स कट ऑफ होती हैं
तब उस केस में हमको ब्लैक दिखता है। अगर कलर डिफरेंस सिग्नल्स का एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है तो इन तीनों गन्स को कंट्रोल करने के लिए खाली हमारे पास ल्यूमिनेंस सिग्नल या वाई सिग्नल बचता है और एक मोनोक्रोम पिक्चर स्क्रीन पर बनेगी। ये कॉम्पेटेबिलिटी की कंडीशन भी होती है। इस फिगर में हम पिक्चर ट्यूब देख रहे हैं, डेल्टा गन कलर पिक्चर ट्यूब। सबसे राइट में कलर फॉस्फर स्क्रीन है जिस पर की तीनों प्राइमरी कलर्स के फॉस्फर है, फिर शेडो मास्क है, उसके बाद हाई वोल्टेज एनोड, डिफ्लेक्शन एंड कन्वर्जेंस कॉइल्स, प्योरिटी मैग्नेट्स। इसके अलावा तीन ग्रिड्स हैं, कंट्रोल ग्रिड G1, स्क्रीन ग्रिड G2, फोकस ग्रिड G3 और तीन कैथोड हैं RGB, जिसका कि अलाइनमेंट हमने ट्यूब नेट में देखा था कि किस तरह से उनके बीच में सेपरेशन होता है। सबसे लेफ्ट में सिग्नल है माइनस VY, जिसको हम VK भी कहते हैं। कंट्रोल ग्रिड पर तीन सिग्नल लग रहे हैं, VG1" VG1" VG1-, VG1- है VR-VY, ये कलर डिफरेंस सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, VG1" VG-VY, VG1" VB-VY। जैसा कि हम जानते हैं कि कलर रिसीवर के अंदर B-Y और R-Y से हम G-Y कलर वीडियो सिग्नल बना लेते हैं, और ये तीनों हमने जैसा कि देखा तीनों ग्रिड्स पर हमने फीड कर दिए, एंड द इन्वर्टेड ल्यूमिनेंस सिग्नल इज अप्लाइड एट द जंक्शन ऑफ द थ्री कैथोड्स, और जो सिग्नल वोल्टेज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच अदर टू डेवलप कंट्रोल वोल्टेजेस फॉर द थ्री गन्स। जैसा हमने अभी देखा VG1-VK, इसको जब हम निकालते हैं तो ये आता है VR या रेड वोल्टेज, VG1-VK VG, VG1-VK इस VB। तो ये एक रिसीवर के डिजाइन से और आउटपुट लेने का मेथड हमने देखा, लेकिन कुछ रिसीवर डिजाइन में द वाई सिग्नल इज सब्ट्रैक्टेड इन द मैट्रिक्स and resulting color voltages are directly applied to the corresponding grid control grids. कुछ जो receivers होते हैं उसके अंदर Y signal को matrix से ही subtract कर लिया जाता है और जो color voltages आई उनको corresponding control grid पर लगा दिया जाता है, और उस केस में the cathode is then returned to a fixed negative voltage. अब इस डेल्टा गन के ड्रॉबैक्स क्या है? इसके अंदर कन्वर्जेंस डिफिकल्ट होता है, विच इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल सर्किट कॉम्प्लेक्सिटीज एंड सर्विस एडजस्टमेंट। जनरली 12 प्रीसेट कंट्रोल्स होते हैं और जो प्रॉपर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कन्वर्जेंस ओवर द एंटायर स्क्रीन के लिए काम में आते हैं। फोकस जो होता है वो एंटायर स्क्रीन पर शार्प नहीं होता, और तीसरा द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंसी ऑफ द मास्क इज वेरी लो। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे डेल्टा गन ट्यूब के। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में डेल्टा गन ट्यूब का कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, कैसे कलर वोल्टेजेस जनरेट हो रहे हैं और कैसे फॉस्फर्स एक्साइट हो रहे हैं, और उसके ड्रॉबैक्स की स्टडी। ये रेफरेंस मोनोक्रोम एंड कलर टेलीविजन बाय RR गुलाटी से लिए गए हैं, फिगर्स और थियोरेटिकल एनालिसिस। थैंक यू।